जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। इस समय हम सोनप्रयाग में हैं। सोनप्रयाग तक आप कार, टैक्सी, बाइक या बस से भी आ सकते हैं। यहाँ सोनप्रयाग में पार्किंग की सुविधा है, जहाँ पर व्हीकल पार्क करने के बाद आप गोरीकुंड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गोरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें शेयर्ड कैब में जाना होता है। वहीं से हम अपनी केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करते हैं। गोरीकुंड इज अ बेस कैंप फॉर ट्रैक टू केदारनाथ जी टेम्पल। गोरीकुंड इज कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवाज वाइफ माँ पार्वती, ऑल्सो नोन एज माँ गौरी। लोकल ट्रेडिशन क्लेम्स दैट गोरीकुंड इज द स्पॉट वेयर माँ गौरी लिव्ड एंड महादेव लॉर्ड शिवा फाइनली एडमिटेड हिज लव फॉर हर। दे वर मैरिड एट त्रियुगी नारायण विच इज लोकेटेड नियर बाय। देर आर हॉट स्प्रिंग्स इन गोरीकुंड। This place is also associated with the legend of how Ganesha acquired his elephant head. हम अपनी 16 किलोमीटर लंबी यात्रा गोरीकुंड से केदारनाथ जी के लिए पैदल शुरू करते हैं। आप यात्रा घोड़े पर भी कर सकते हैं, जिसका किराया 2300 रुपये है वन साइड, और वापस गोरीकुंड आने के लिए 1500 रुपये। You will going to explore lots of scenic views, natural waterfalls from mountains, lush green mountains, deep valleys while on 16 kilometers trek, and on another side Mandakini river along with trek. जब हमने यात्रा शुरू की थी उस समय चढ़ाई काफी ज्यादा थी, 2 से 3 किलोमीटर। उसके बाद काफी जगह फ्लैट है, चढ़ाई भी है पर उतनी नहीं है। अगर आप नॉर्मल पेस पे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हुए एक रिदम बनाते हुए चलते जाएंगे और बीच बीच में प्रॉपर ब्रेक्स लेते हुए, तो आराम से 7 से 8 घंटे में हम बाबा के मंदिर में पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने अप्रॉक्स 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बेस कैंप अभी 9 किलोमीटर दूर है और श्री केदारनाथ जी अभी 10.5 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। आफ्टर एवरी 1 or 1.5 किलोमीटर यू विल फाइंड स्मॉल टी स्टॉल्स वेयर यू कैन गेट टी, कॉफी, फ्रूटी एंड सम अदर स्नैक्स टू रिजुनुएट योरसेल्फ एंड गेट रेडी फॉर द ट्रैक अगेन। हम रामबाड़ा बस पहुंचने ही वाले हैं। रामबाड़ा एक छोटा सा गांव था पहले, जिसमें अराउंड 200 से 250 दुकानें हुआ करती थी। छोटे बजट होटल्स, लॉजेस हुआ करते थे, जिसमें यात्री विश्राम किया करते थे, कुछ नाइट स्टे भी किया करते थे। पर 2013 की आपदा के बाद सब नष्ट हो गया। ये है रामबाड़ा ब्रिज, जो मंदाकिनी नदी के ऊपर 2013 की आपदा के बाद नया बनाया गया है। रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद अराउंड 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही स्टीप है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट लेने के लिए। जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं या लोकल लोग हैं जो यहाँ पे, उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है इन छोटे छोटे रास्तों पर चढ़ने का। केदारनाथ में रिजॉर्ट्स, कैंप्स, होटल्स और गवर्नमेंट के गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉटेजेस भी हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि यहाँ आने से पहले हम अपना एकोमोडेशन एडवांस में बुक कर लें, अदरवाइज सीजन टाइम में नाइट स्टे के लिए बहुत परेशानी भी हो सकती है। इसलिए हमने अपना नाइट स्टे ऑलरेडी बुक करवाया हुआ है। आज रात को नाइट स्टे करने के बाद कल हम मॉर्निंग में बाबा के दर्शन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओह।
तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे घनाद शंभुनाथ रे। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। बसा है रूप तेरा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। आदि ना अंत है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। पीकर खुद ही विष का प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला। मेरा शिव है भोला भाला भोलेनाथ जी। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। सहारा है तेरा सहारा है, भव सागर हो पार, दिल ने तुम्हें पुकारा है, तुम्हें पुकारा है। करो कृपा त्रिशूल धारी, तुम भक्तों के कैवारी, तुमको पूजे दुनिया सारी भोलेनाथ जी। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। शंकर।